दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नरेंद्र जो है। और दोस्तों आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि कोई शुगर पेशेंट है, उसको बॉडी में कहीं जख्म हो जाता है तो वो बहुत जल्दी से नहीं बढ़ता है, या यूँ कहें दवाई लेता रहता है, पट्टी कराता रहता है, फिर भी वो जख्म वैसे का वैसे ही है। उस बीमारी को दोस्तों कहते हैं गैंग्रेन। गैंग्रेन बीमारी में ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि जितना भी आप दवाई खा लें वो जख्म भरता नहीं। और शुगर पेशेंट को तो खासकर ये दिक्कत रहती है कि कोई अगर कट लग जाए या जख्म भर जाए, जख्म हो जाए कहीं भी बॉडी के हिस्से में, तो वो जल्दी से बढ़ता नहीं, चाहे वो कितनी भी ट्रीटमेंट करा ले, कितनी भी दवाई खा ले। एलोपैथिक में तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैं एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताता हूँ आपको। अगर किसी भाई को ये प्रॉब्लम है तो सिंपली क्या करें, अगर वो जख्म जल्दी भरवाना चाहता है घर पे बैठे रह के बिना खर्चे के, हाँ दोस्तों बिना खर्चे के, आपको ये गैंग्रीन जैसी बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी है कि किसी शुगर पेशेंट को अगर हो गया जख्म तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको भरना। तो उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको। दोस्तों गेंदे का फूल देखा होगा आपने, जो पीले पीले रंग का होता है। दो तरह के गेंदे आते हैं दोस्तों, एक पीले रंग का और एक जामुनी रंग का। जामुनी रंग का मिल जाए तो बहुत बेस्ट, नहीं तो पीले रंग का जो गेंदे का फूल होता है उसकी पत्तियां आपको निकालनी हैं, और उन पत्तियों को अच्छी तरह मिक्स करके और चटनी सी बना के उसके अंदर थोड़ा गोमूत्र डालना है और आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गोमूत्र और चोट के अनुसार वो पत्ते डाल लेना। जितनी आपको चोट बड़ी है उसमें ज़्यादा पत्ते लगेंगे, अगर छोटी थोड़ी छोटी चोट हो तो उसमें कम लगेंगे। तो उसको अच्छी तरह मैश करके चटनी बनाइए, और जहाँ पे जख्म और पेशेंट वहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। उससे गारंटेड 5 से 7 दिन के अंदर वो जख्म भरने लग जाएगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक और चमत्कार दोस्तों, आजकल बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जो फूटते हैं, उसमें से पानी आता है, फिर वो पानी अगर स्किन पे कहीं लगता है तो वहाँ भी वो दाने हो जाते हैं। तो सेम उसी के लिए भी ये ट्रीटमेंट है, गेंदे का फूल, दो चुटकी हल्दी या आधी चम्मच हल्दी छोटी वाली, और चोट के अनुसार या जख्म के अनुसार गेंदे के फूल की पत्ती। और अगर पूरी बॉडी पे है तब क्या करें, तो सिंपली ये करना है, गोमूत्र में हल्दी मिला के यहाँ भी बॉडी के हिस्से में, जैसे मान लीजिए इस हाथ में, तो इस तरीके से मसाज कर लिया, पैर में है तो उस पानी को ऐसे लिया हल्दी वाला और गोमूत्र को लगा दिया। दोस्तों आप कह रहे कि गोमूत्र बहुत चमत्कारी है, यूं ही नहीं रहा बाबा रामदेव जी बेच रहे, सोचिए आप। हमारे घर में, हमारी किचन में बहुत ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन करके हम अपनी बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हल्दी दोस्तों सब जानते हैं बहुत एंटीबायोटिक होती है, इसके फ़ायदे अनेकों हैं, मैं तो गिनवा भी नहीं सकता कि इसके कितने फ़ायदे। हल्दी पानी में लीजिए, पानी गर्म कीजिए, एक चुटकी हल्दी डेली लीजिए आप, फिर देखिए उसका चमत्कार।
और ये गैंग्रेन वाली परेशानी, सोराइसिस की दिक्कत। सोराइसिस अगर गीला है, गीले का मतलब बॉडी में कहीं अगर गीलापन आ रहा है इससे, तो वहाँ लग पाएगा। अगर सूखे सोराइसिस है तो वहाँ ये काम नहीं करेंगे। और इसके साथ कुछ आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ भी हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कि आपके अंदर से काम करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जनहित में यार एक शेयर तो मार देगा। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स वीडियोज़ लेके आता हूँ, बट शेयर नहीं मिलता ना, तो पता नहीं लगता कि यार कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं नहीं करते, लाइक करते हैं नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, उन भाइयों बहनों के लिए करिए कि जिनको ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, शुगर पेशेंट को जब ये पीड़ा होती है, उसको कहीं जख्म हो जाता है, दोस्तों बहुत बुरा हाल उस पेशेंट का होता है उस टाइम, कि जब वो दवाइयाँ भी ले रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, और दर्द इतना हो जाता है, कभी कभार तो जख्म नासूर हो जाता है और उसको कटवाना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने तक ना रखें, आगे शेयर करें, ताकि किसी भाई को अगर ये दिक्कत है तो वो संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 7840042753। पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ फ़ोन करें, ताकि मैं आपको डिटेल से बता पाऊँगा कि आप क्या क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं। गौमूत्र, आधी चम्मच हल्दी और चोट अनुसार गेंदे के पत्ते, फूल के पत्ते होते हैं, ऐसे फूल निकाला, उसकी चटनी बनाई, उसे मिक्स किया, और अगर जामनी फूल मिल जाए गेंदे के तो बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, आप लोग फौजी लोग होते हैं हमारे भाई, ये बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ पर कभी कभार डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं, वो सेम यही करते हैं, गेंदे के फूल को मैश करके अपने चोट पे लगाते हैं, जिससे क्या है उनकी चोट जल्दी ठीक होती है और बहुत खर्चा तो ना के बराबर ही होता है। उनके पास तो गौमूत्र भी अवेलेबल नहीं हो पाता कभी बार, तो वो फूल को ही मैश करके लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा नंबर है 7840042753। नमस्कार दोस्तों।